अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, अगर आपने मेरे पिछले 3 व्लॉग्स नहीं देखे तो गो वॉच देम फॉर माय कंप्लीट सवात एक्सपीरियंस ऑफ फूड, कैंपिंग एंड होटल्स। उमर भाई देखो क्या क्या हुआ। उमर भाई ने हेयर वैक्स जरक फेशियल क्रीम समझ के लगा ली यार। मॉर्निंग फ्रॉम बहरीन। आज बहरीन में सो के उठे हैं और मौसम जो है वहाँ बड़ी मज़े की चल रही है। निकलना है यहाँ से, जाना है हमने इस्लामाबाद और बाकी सब बॉयज़ जाएंगे लाहौर वापस। होटल से बाहर निकलते ही मैंने एक शख्स को अपनी मजदूरी के बायस सख्त गर्मी में लोहे के पुल से इस तरह आते हुए देखा। उसको देखकर मुझे ये ख्याल आया कि हु आर वी टू कंप्लेन अबाउट आवर लाइव्स। ये मंजर बार बार सारा दिन मेरी आंखों के सामने आता रहा और जब जब भी आया मैंने उस शख्स के लिए ढेरों दुआएं और अपने लिए अस्तगफार किया। सामान एक्सचेंज हो रहा सारा, क्योंकि एक गाड़ी इस्लामाबाद जा रही है और एक गाड़ी जो है वो लाहौर जा रही है। रूम से चेकआउट कर दिए, गाड़ी में सामान रख दिए, वापसी निकल रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि बहरीन में थोड़ा सा बाहर निकल के चक्कर लगाएं और मौसम अच्छा है यहाँ के भी व्यूज़ देखते हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं, दो रास्ते थे, एक नीचे गांव को जाता है, एक ऊपर भी कुछ आबादियाँ हैं लेकिन ऊपर एक चश्मा है जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं। पिछले काफ़ी ऐसे से हम सब क्योंकि अर्थरल देख रहे हैं तो इस तरह के रास्ते और चीज़ें आते तो पहले भी थे यहाँ पे, लेकिन अब माइंड में देख कैसे लगता है अभी सिलीपी आ जाएंगे, अभी तीतुश निकल आएगा। वो दरिया है लंबा, थोड़ा घूम घुमा के ट्रैक हम इस साइड तक आए हैं, बस हो गई है। बच्चा चेक करो, 1.5 फुट का है, चूल्हा चुका हुआ है, भज्जी जा रहा है यार। अब करना क्या इस पानी से? अब शफाया वहाँ भी कवारों के लिए जिनकी शादियाँ नहीं, वहाँ डुबकियाँ लगा भी शादियाँ होंगी वहाँ पे। ये ऊपर इनको दिखा देंगे, हो सकता है वो सोसाइटी का सीवरेज ना हो। सीवरेज भी हो सकता है। अबे शफा समझ के धो रहे हैं, नल भी गंदी आ रही है। जस्ट टू गिव यू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रूट, हमने सवात आते हुए मिंगोरा का रास्ता अख्तियार किया था जो कि दरिया की ईस्ट साइड पे, बट देयर इज एन अल्टरनेट रूट जो कि दरिया की वेस्ट साइड पे और वो मट्टा से गुजर कर आता है। सो वापसी पे हमने मट्टा से जाने का फैसला किया एंड इट टर्न्ड आउट कि वो रास्ता भी बहुत जबरदस्त है। दोनों रास्तों पर रोड की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, बट फर्क यह है कि मिंगोरा वाले रास्ते पे आपको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगी, लोड ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो बड़ा रोड है और उस रोड के ऊपर बड़े शहर बड़े बाजार आते हैं। बट मट्टा की साइड पे आपको कम रश मिलेगा, कम ट्रैफिक मिलेगी, कम बाजार मिलेंगे। सो इफ यू थिंक आप ये एरिया रश आवर्स में क्रॉस कर रहे हैं तो मट्टा का रास्ता आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 3 दिन से सवात में और चप्पल कबाब नहीं खाए, बस वो रह गए थे। वापस इस्लामाबाद जाने से पहले रास्ते में सिर्फ चखने के लिए रुके हैं मट्टा। हमने खा तो लिए हैं लेकिन इतनी गर्मी में खाने की गलती की है कि पसीने निकलने, कम से कम भी 35 या 40 के दरमियान कहीं ना कहीं टेम्परेचर है। 33 है बस, 33 है बहुत। ये मदेन का ना 33 है, इधर का ही 33 टेम्परेचर है लेकिन फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम तो आए भी 2-3 दिन अच्छे मौसम से निकल के वापस ऐसे डायरेक्ट ऐसे लग रहा है ओवन में पड़े हुए। मज़ीद 1.25 घंटे के बाद हम लोग मट्टा से चकदरा पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हम चाय पी रहे हैं, उसके बाद लाहौर वाले लाहौर जाएंगे
मैं और उसने यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में हम 2-3 दिन या 4 दिन स्टे करेंगे, उसके बाद दोबारा विल बी बैक अप टू नॉर्थ। चेक इन किया रूम में, मत तवज्जो हुई है, हालांकि इतना खास सफ़र नहीं किया इतना लंबा, लेकिन थकावट हुई है। खाएं पहले, नहाएं पहले या सोए पहले, तीनों चीज़ों की जाना अर्जेंसी वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन ट्रेड ऑफ है कि कौन सा काम पहले करें। तो ये था हमारा स्वाद का ट्रिप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपके काम आ जाए शायद। तो अभी लॉकडाउन था, सवात में भी लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन उसमें यह है कि बाहर से पंजाब से टूरिस्ट नहीं थे, ज़्यादातर टूरिस्ट लोकल आए हुए थे। रास्ते में अंदर कुछ चेक पोस्ट हैं जो कि लोगों को पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर टूरिज्म और ट्रैवल तो दे डोंट लेट यू गो देयर ईजीली, बट इफ़ यू हैव सम रीज़न तो वो शायद आपको जाने दें। कलाम के अंदर कुछ होटल्स खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं और सिर्फ लोकल टूरिस्ट आ रहे हैं। तो अभी सीज़न है तो सीज़न वाली प्राइसेस तो वही चार्ज कर रहे हैं, होटल्स और सर्विसेज काफ़ी सस्ती हैं। लेकिन मेरा कलाम काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, मैं 8-10 दफ़ा पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड रहा, या तो लोग खुद मायूस हुए हुए थे या आई डोंट नो कि वहाँ पर कमर्शलिज्म ज़्यादा होता जा रहा है और लोगों का एटीट्यूड खास तौर पर कलाम वालों का और कलाम से आगे वालों का, क्योंकि बहरीन से पीछे लोग और हैं, कलाम से आगे वाले जो बहरीन से आगे वाले जो लोग हैं वो डिफरेंट हैं, दे आर नॉट पुश टू स्पीकिंग, दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, वो एक डिफरेंट सारा सेटअप है। सवाल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि रोड जो है वो नई बन चुकी हुई है और हमेशा से कलाम के लिए रोड का मसला रहता था, अब आप मोटरवे से चकदरा उतरेंगे, चकदरा से लेके कलाम तक कारपेट रोड है, यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको कहीं रुकना नहीं पड़ता, ट्रैफिक जैम्स नहीं है। हाँ सीज़न में लोड आएगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन रोड कंडीशन बिल्कुल बेहतर है। कलाम से आगे आपको ऑफ रोड करना पड़ता है, वहाँ से माउंटेड लेक की जो ड्राइव है वो तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं ऑफ रोड पर। तो अगर आपके पास अपनी SUV है तो यू कैन गो ईजीली, बट अदरवाइज आपको जीप रेंट पर लेना पड़ती है जो कि 4-5 हज़ार का खर्चा है। कलाम के आसपास दिखने वाली 3-4 चीज़ें जिसमें अथरोड वैली है, माउंटेड लेक है, उशू है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कलाम जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम आप माउंटेड या सैफुल्ला लेक के लिए रखें, और इट इज़ अ मच बेटर एक्सपीरियंस कि आप सवात में कहीं भी और रहें या कलाम में रहें, इससे ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस ये कि आप वहाँ पे कैंपिंग करें। 100% सेफ, जितनी इक्विपमेंट जितना चीज़ें आपके पास अपनी होंगी, कुकिंग एसेंशियल्स, खाना बनाने के लिए, कैंपिंग का गेयर, जो कुछ मैक्सिमम आप जितनी अपनी चीज़ें लेके जा सकते हैं वो लेके जाएं। एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस सवात का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो ही होगा जो आप सैफुल्ला पे कैंपिंग करेंगे या माउंटेन लेक पे कैंपिंग करेंगे। तो ये थी कुछ ना कुछ छोटी मोटी टिप्स जो कि मेरे माइंड में भी आ रही थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सवात के हवाले से तो आप प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, आई ट्राई टू आंसर देम। इंशाल्लाह आप अगले ब्लॉग्स में देखेंगे हम दोबारा नॉर्थ जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम चित्राल जा रहे हैं, और मज़ीद हमारे क्या क्या प्लान्स हैं तो वो इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग्स में पता तो चल ही जाएंगे। बंदा सिर्फ कहने से डरता है कि हम जब भी प्लान्स बनाते हैं, वैसे भी 2020 इज़ द वर्स्ट ईयर टू मेक प्लान्स, तो प्लान हमारा बहुत लंबा चौड़ा है कि इस दफ़ा हम पूरा नॉर्थ एक्सप्लोर करें, बट लेट्स सी हम कितना कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।